वेलकम स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। अ सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंसेज आर वन इक्वल्स टू 6.0 ओम एंड आर टू इक्वल्स टू 1.5 ओम। अ वेरिएबल रेजिस्टर, द रेजिस्टेंस आर वेरिएबल ऑफ विच कैन बी एडजस्टेड, अ रेजिस्टर ऑफ अननोन वैल्यू आर यू एंड 9.0 वोल्ट्स बैटरी कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे शो किया गया है फिगर में, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं और हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टर्स होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि अगर उन्हें किसी भी पॉइंट पे लगाया जाए सर्किट में तो वो करंट को पास होने में रुकावट पैदा करते हैं, तो उन्हें हम रेजिस्टर्स कहते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि हमारे पास इस सर्किट में दो रेजिस्टेंसेज हैं, जिनमें एक है R1 जो है जो कि है 6 ओम्स और दूसरी है R2 जो कि है 1.5 ओम्स। ठीक है, साथ ही हमें ये बताया गया है कि इन दोनों के अलावा हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि है अ वेरिएबल रेजिस्टर, यानी कि ऐसा रेजिस्टर जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज की जा सकती है। ठीक है, और उसे डिनोट किया गया है आर वेरिएबल, यानी कि उसकी जो रेजिस्टेंस है जो चेंज की जा सकती है, वेरी की जा सकती है, उसे डिनोट किया गया है आर वेरिएबल। और साथ ही हमें यह बताया गया है कि जो हमारे पास चौथे रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो कितनी है, उसके जो हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे वो हमें अभी तक अननोन है, हमें नहीं पता, और उसे हमने डिनोट किया है आर यू से। और आगे हमें ये कहा गया है कि इस पूरे सर्किट में जो बैटरी ज्वाइन की गई है उसका जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना है, 9 वोल्ट्स। ठीक है, आगे हमें क्या कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, व्हेन आर वेरिएबल इज एडजस्टेड टू 12 ओम्स देयर इज 0 करंट थ्रू द एमीटर, व्हाट इज द अननोन रेजिस्टेंस आर यू। यानी कि जो हमने कहा था कि आर वेरिएबल है जिसमें जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर की वो चेंज की जा सकती है, वेरी की जा सकती है, उसका कहा गया है कि अगर हम उसे 12 ओम्स पे एडजस्ट करें, फिक्स कर दें। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास एमीटर है उसके अंदर करंट 0 हो रहा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है गैल्वेनोमीटर में, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में एक तरफ जो हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 और R2 हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा R वेरिएबल और RU के रेशियो से। ठीक है, तो उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो हमें फाइंड क्या करने को कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि जब हमारे पास ये 0 डिफ्लेक्शन आ रही है इस एम मीटर में, तो हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस आर यू। तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वान्टिटीज़ गिवन है सर्किट में। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि हमारे पास है R1 = 6.0 ओम। ठीक है, जो R2 रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 1.5 ओम्स। और जो हमारे पास बैटरी है उसका जो हमारे पास EMF है, ठीक है, EMF हमें बताया गया है वो है हमारे पास 9 वोल्ट्स। ठीक है, और जो R वेरिएबल है उसके जो रेजिस्टेंस फिक्स की गई है, ठीक है, उसकी वेरी की जा सकती है रेजिस्टेंस, इसलिए जो उसकी हमने एक जगह पे एडजस्ट की है रेजिस्टेंस वो कितनी हमें बताई गई है, वो है 12 ओम्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है आर यू। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर देती हूँ जो हमारा सर्किट डायग्राम थी, ताकि उसे देखते हुए इजी हो जाए हमें सॉल्व करना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमें बताया गया है कि जो आर वेरिएबल है उसकी जो रेजिस्टेंस है 12 ओम पे हमने एडजस्ट कर ली। ठीक है, और ये हमें बताया गया है कि जब हमने 12 ओम पे उसे एडजस्ट किया तो हमारे पास जो एमीटर में डिफ्लेक्शन है वो 0 हो गई, यानी कि जो हमारे पास करंट है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में वो 0 हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारे पास पोटेंशियल है एट पॉइंट ए वो इक्वल हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वायर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, उसके दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे ए और बी, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर पॉइंट ए पे चार्जेस की ज्यादती है, ठीक है, चार्जेस की ज्यादती है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास ज्यादा हैं और पॉइंट बी पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास पॉइंट ए है इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे पॉइंट बी की तरफ। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जिसकी वजह से हमारे पास एक करंट वजूद में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास करंट किस चीज की वजह से बना, कि हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स थे ए और बी उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से, कि हमारे पास ए पे पोटेंशियल डिफरेंट था
एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि एक तरफ हमारे पास चार्जेस की ज्यादती थी और दूसरी तरफ चार्जेस की कमी थी. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे करंट जीरो है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो हमारे पास चार्जेस की क्वांटिटीज हैं वो इक्वल हैं, और हमारे पास जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल है वो सेम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों पॉइंट्स पे वो सेम होगा. जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए. तो इसे अगर मैं कह दूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है, और इस इक्वेशन को मैं माइनस कर दूँ पोटेंशियल एट पॉइंट सी से, ठीक है, दोनों तरफ पोटेंशियल एट पॉइंट सी से मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पोटेंशियल पॉइंट सी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए. और इस इक्वेशन को मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है. अब देखें कि हम सर्किट में देख सकते हैं कि जब हमारे पास करंट आया सी की तरफ, ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास जो डिवाइस है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास आर वन और आर टू, ये एक दूसरे के पैरेलल में लगी हुई हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास रेजिस्टेंसेज पैरेलल में लगी हुई हैं तो जो करंट है वो स्प्लिट हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आर वन के अक्रॉस अगर मैं डिनोट कर दूँ करंट आई वन, तो यहाँ आर टू के अक्रॉस मैं करंट यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ आई टू, ठीक है, यानी कि जो करंट है हमारे पास रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में होने की वजह से स्प्लिट हो गया. तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल है वी सी माइनस वी ऑफ बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आई आर वन के, ठीक है. अब ये देखें, अब ये आई वन आर वन के इक्वल कैसे हो गया. जैसे कि हम जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो हमें बताता है कि जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे जो हमारे पास करंट आ रहा है सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, वो हमारे पास आ रहा है आई वन, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आर वन. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए, तो वो इक्वल हो जाएगा आई वन आर वन के. और इसे मैं कह देती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है. और इसी तरह से जो मेरे पास दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी, मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल सी माइनस पोटेंशियल बी. सॉरी, ऊपर जो हमारे पास था वो पोटेंशियल बी नहीं था बल्कि वो पोटेंशियल ए था, ठीक है. यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसे हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है. पोटेंशियल सी माइनस पोटेंशियल ए था. अब जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल सी माइनस पोटेंशियल बी हम देख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई टू आर टू, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई टू आर टू, और ये मेरे पास इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर फोर. अब इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस नंबर थ्री और फोर आई हैं, पुट थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर इन टू, ठीक है, उसमें हम पुट करते हैं. तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से वी सी माइनस वी बी की जगह आ जाएगा हमारे पास आई टू आर टू, आई टू आर टू, और वो इक्वल हो जाएगा आई वन आर वन के. दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं इनको एक्सचेंज करूँ आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा आई वन ओवर आई टू इक्वल्स टू आर टू ओवर आर वन. इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है इक्वेशन नंबर फाइव. तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया आई वन और आई टू का. तो जो इससे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा.